बाल को काला करने के लिए मास्क बनाएंगे हम इस वीडियो में कि हम अपने बाल को कैसे काला करें। वैसे बहुत तरीके हैं पर इस रेमेडी को यूज़ करके अपने बाल को काला कर सकते हैं और आप नेचुरली कर सकते हैं। अगर आपका बाल बहुत ही वाइट हो गया, अगर आपके एज से पहले आपका जो बाल है वाइट हो गया है, बहुत ही डल हो गया, बहुत ही ख़राब हो गया आपका बाल, बहुत ही ख़राब दिखता है, तो आप इस बाल के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, काला कर सकते हैं उसे, और नेचुरल हैं ये रेमेडी, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक बड़ी सी कॉली लेना है। आपके बाल बहुत ही बड़े हैं या फिर आपके बाल बहुत ही छोटे हैं, इतने इतने हैं, तो आप अपने बाल के हिसाब से आपको क्या करना है कि उतनी चीज़ आपको ऐड करना है। और अगर ज़्यादातर क्या होता है कि आपके जो यहाँ पे बाल होते हैं वो वाइट हो जाता है, क्योंकि हम जब अपने बाल को ड्राई करते हैं बहुत ज़्यादा, हम ड्राई को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है, और विटामिन की कमी होती है तो उसकी वजह से भी हो जाती है। और भी बहुत प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे जो हेयर हैं वो वाइट हो जाते हैं उम्र से पहले। अगर आपकी उम्र होगी, आपकी वाइट होगी हेयर, तो आप भी कर सकते हैं, और अगर आप उम्र से पहले आपका जो हेयर है वाइट हो गया तो आप भी अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 2 से 3 चम्मच, आपको बड़े चम्मच से आपको ऑयल ले लेना है। आपके पास कोई भी ऑयल है, कोकोनट है। उसके बाद क्या करना है आपको कि आंवला का जो आपका पाउडर होता है आप बाहर से खरीद सकते हैं, या फिर आप सुखा कर उसको ग्राइंड कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि कड़ी पत्ते को सुखा के, या फिर तो आप कूट के बारीक कर सकते हैं, या फिर आप, आपके पास मशीन है, वैसे तो सबके पास होता है, तो आप पीस सकते हैं। उसको महीन करना है आपको, बिल्कुल ही बारीक करना है आपको। बारीक करने के बाद देन आपको क्या करना है कि इन सब चीज़ों को, आप जैसे आपने कोकोनट लिया 3 चम्मच, तो आपको इसको 4 लेना है, 4-4 चम्मच आपको इन दोनों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको लास्ट में आपको कॉफ़ी मिक्स कर लेना है, आपको वो भी 2 से 3 चम्मच आपको ऐड कर लेना है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपको क्या करना है कि आपको अपने बालों में अप्लाई करना है। आपको ऐसा बना लेना है ताकि जब आप अपने बाल पे अप्लाई करें तब आपको बहुत ही आसानी से लग जाए आपके बालों पे, और आपको उतना तकलीफ ना हो लगाने में, क्योंकि अगर आप उसे अच्छी तरह मिक्स नहीं करेंगे, उसको इतना क्रीम फॉर्म में नहीं बदलेंगे जब तक, तो क्या होगा कि आपके बाल के ऊपर ऊपर वो रह जाएंगे और आपके बाल जो होंगे उसके ऊपर नहीं रहेंगे, वो झड़ जाएंगे जल्दी से। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको तेल की जो क्वांटिटी है आपको ज़्यादा बढ़ा देनी पड़ेगी, और आपको उसके अंदर डाल देनी पड़ेगी, ताकि जो आपने उसके अंदर डाला है कड़ी पत्ता या फिर आप आंवला डाला है तो उसके अंदर वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इन सब चीज़ों को अगर आप मिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने बालों पर इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपके जहाँ पे भी वाइट हो गए हैं हेयर तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पूरे हेयर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो बाल है वो ब्लैक हो जाएगा। आप एक बार इस्तेमाल करेंगे, 2 बार इस्तेमाल करेंगे, 3 बार इस्तेमाल करेंगे, आपको उसका रिजल्ट दिखेगा, आपको जो उसका फ़र्क है आपको दिखने लगेंगे 1-2 हफ्ते के बाद। तो आपको इसको इस्तेमाल करना है 1-2 हफ्ता, देन आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना।